अभी तो तू गन्ने का जूस पीने गया था। क्योंकि सबको एक डायलॉग पसंद नहीं आता, इस करके अलग अलग बोलना पड़ता है मेरी जान। हम लोग राउंड मारने लग गए, आटा मंगाया हुआ था इतने दिनों से, आटा लेके आटा लेके आज मंदिर चले गए, है ना, आटा लेने। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हो गए। नीचे फोन में गिर जाए तभी मैंने दोनों हाथों से पकड़ा है ना, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जरूरी है, मेरे को डर भी लगता है ना फोन गिर ना जाए। हेलो गाइस, स्कूल चल लो। रोज रोज आपके अलग डायलॉग क्यों होते हैं? मेरी मर्जी, मैं चाहिए करूँ, मैं चाहे वो करूँ, पापा की मर्जी। ओ चले, सुबह सुबह इतनी गंदी नींद आती है ना। आज मम्मी बताओ तो मैं कितनी बार सो गया हूँ, अभी मैं 10 मिनट सोफे पर सो गया था। बहुत अच्छी बात है। और फिर तो रात को तो जल्दी सो गया था। हाँ, रात को तो जल्दी सो गया था तू। नींद ही नहीं पूरी होती मेरी, अब मैं जब पेपर खत्म हुई है ना तब नींद पूरी होगी मेरी। लास्ट कल लास्ट पेपर है, उसके बाद मौजा ही मौजा, कोई मौजा नहीं, और प्रेशर है, मौजा ही मौजा। चले बाय। अभी तो आ नहीं रहा था, ये आधे रास्ते रुक गया था ना। हाँ। ड्रामे क्यों करता है? जब तेरे को पता ऊपर आना भूख लगती है तो आराम से आ जाए करना चुपचाप। फिर रास्ते में बीच में रुका किस लिए था? किसी ने बुलाया था रास्ते में? हैं? कोई पराठे दे रहा था तेरे को? ओ हीरो, ये ले तेरी डिब्बी, ये देखो कितना हीरो है, खाली डिब्बी ऊपर नहीं आ रहा। रुक जा अभी, अब यही रही हो, भाग मत जाइयो नीचे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत मेरी सबसे पहले होती है, पर मैं बिजी थी इसलिए मैं व्लॉग में आई ही नहीं। अभी जप्पू भी स्कूल चला गया था, घर की साफ सफाई भी मैंने कर ली थी नीचे वाले फ्लोर की, ऑलमोस्ट ऊपर वाले फ्लोर की भी हो ही गई थी, थोड़ी बहुत रह गई है। तो अभी डुगू भी जा चुके हैं, ब्रेकफास्ट करके नहीं गए, नींबू पानी पी के गए हैं, और जप्पू लंच लेके गया है, डुगू भी लंच लेके गए हैं, दाल चावल और ड्रम स्टिक्स की सब्जी। और अब मैं फ्री हूँ, अभी मैं थोड़ी देर बैठ के टीवी देखूंगी, कुछ काम तो होता नहीं है, कई बार बोर भी हो जाती हूँ। डुगू ने मुझे बोला भी था, कहते हरलीन मैं तुम्हें एक शॉप ले देता हूँ रेंट पे, तुम अपना आराम से बढ़िया सूट वूट डाल लो, उसमें तुम्हारा भी टाइम पास हो जाया करेगा और बढ़िया काम भी कर लोगी। पर मेरे को नहीं यार, इन पचड़ों में मुझे नहीं पड़ना, मेरे लिए ट्यूशन इनफ है और इतना ज़्यादा काम मेरे से नहीं होने वाला। घर का भी करो, फिर रोटी वगैरह सब कुछ करो, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाओ, फिर वहाँ पर भी देखो, इतना स्ट्रेस हरलीन नहीं ले सकती, इसलिए मैंने उस चीज़ को डिनाई किया। और कुछ दिन की बात है फिर मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी, तो फिर मेरा ये वाला टाइम जिम में जाया करेगा। फिलहाल मैं देखूँगी टीवी और खाने वाली हूँ बब्बू गोशा। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने आज फिर से पहन लिया सूट, कल गुरुद्वारे भी सूट पहन के गई थी, तो अभी फिर से ये सूट मुझे बहुत पसंद है, मुझे रवनीत दी ने दिया था जब मैंने उनके सूटों की प्रमोशन करी थी ना, तब उन्होंने मेरे को ये ऐसा गिफ्ट दिया था और मुझे इतना कंफर्टेबल लगता ना, कसम से बहुत अच्छा लगता, पहना हुआ ही बहुत कूल लगता और पहना हुआ बहुत स्मार्ट भी लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ जप्पू को स्कूल लेने और लेके आते हैं उसको, देखते हैं, उसका कल लास्ट पेपर है, आज उसका मन नहीं था स्कूल जाने का, बहुत नींद नींद में था वो, पर चलो चला गया था, भेज दिया था लास्ट मैंने, तो फटाफट ले आती हूँ जाके उसको। हेलो बेबी, क्या हाल चाल? शक्ल से तो बढ़िया नहीं लग रहा तू आज, तेरी सारे रिक्शा के बच्चे छुट्टी पे, हमारे सिर्फ जप्पू और देवांश आए, दिव्यांश, मैं रोज इसका नहीं बोल जाती हूँ, सिर्फ जप्पू और दिव्यांश आए हैं तेरे। नहीं, दिव्यांश ने नन्नू की दुनिया, तू तेरी मम्मा ने नहीं तेरी छुट्टी कराई, तेरे भी तो पेपर खत्म हुए थे। आज मेरा पेपर हुआ है, आज मेरा पेपर हुआ है। कौन सा पेपर? कौन सा सीक्रेट पेपर? संस्कृत? नहीं नहीं, वो तो हो गया। किस चीज का बेटे? पेपर हुआ है ईवीएस का, मतलब जो वो होते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ समझ आ गई। और ये देखो, ये पहन के गया था ब्लैक पैंट, बिकॉज डेंगू के लक्षण है ना, तो निक्कर हटा के पैंट लग गई है इनको अभी, है ना, ऑलरेडी जब वो तो पैंट ही लगी हुई है, सिक्स्थ से पैंट लग जाती है ना, कहीं के स्कूल में 8 से लगती है, कहीं के स्कूल में 6 से लगती है। अब कल स्कूल आएगा कि छुट्टी करेगा? जिसने तेरी मम्मी ने आज छुट्टी नहीं कराई तो कल भी नहीं कराएंगी। जप्पू तो आएगा, जप्पू का कल पेपर है ना, जप्पू लास्ट पेपर है जप्पू का कल। मेरा एक और पेपर है। कौन सा? थर्सडे को मैं नहीं कर सकता छुट्टी, सिर्फ 3 पेपर तो छुट्टी तो बेटे वैसे भी नहीं होनी स्कूल दी। अभी तो तू गन्ने का जूस पीने गया था, इतनी जल्दी बन भी गया? अच्छा पुराना पिया फिर तूने, कि पहले से बना हुआ था ना भैया के पास?
क्या कह रहे भैया भी निकाला है? हाँ पी के आ गए, चाय सवेर का बनिया हुए है ना। तो गाइस अभी ट्यूशन के बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और मैं बैठी हूँ, और बैठी थी तो मैं ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे इतनी हंसी आती है ना सीरियसली। एक कमेंट तो मैंने दोपहर को पढ़ा था और दोपहर को ही उसका रिप्लाई भी कर दिया था, तो मैं वही कमेंट पहले पढ़ूंगी। तनु गर्ग, जप्पू के एग्जाम्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं, पूरे मंथ चले हैं। सीरियसली उसके जो एग्जाम्स 4 से शुरू हुए थे और 31 को लास्ट हुआ है। जप्पू के एग्जाम ऐसे हो रहे थे ट्यूसडे फ्राइडे ऐसे जप्पू के एग्जाम चल रहे थे, एक ट्यूसडे को होता था, एक फ्राइडे को होता था, देन ट्यूसडे देन फ्राइडे देन ट्यूसडे देन फ्राइडे, तो इसलिए पूरा मंथ चले हैं। और अभी वाला जो एग्जाम था वो मंडे और वेडनेसडे, फ्रेंच को मंडे का हुआ और वेडनेसडे को लास्ट था। और डुग्गू हमारे साथ घर में रहते जरूर है, पर डुग्गू को कोई मतलब नहीं है जप्पू की स्टडी, जो देखनी है वो सब मैंने ही देखनी है। वैसे सभी हस्बैंड ऐसे होते हैं, मदर को ज़्यादा प्रेशर होता बच्चों की स्टडी पे। एक और कमेंट है, सॉरी सिमरन कौर, वाहिगुरु जी मैं ही मिली थी, मिल के भी सही से मिल नहीं पाई, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव डियर। हम लोग मिले थे, मेरे को इन्होंने सामने से देखा और मेरे को बोला कि जपनूर व्लॉग्स, देन मे बी इनको कोई बुला रहा था या किसी को, मतलब जल्दी जल्दी में थे इसलिए चले गए। तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आपने पहचाना, आप पास में आए उतना भी बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे। सरदार दी सरदारनी, प्लीज़ जप्पू को पंजाबी भी लिखनी सिखाओ, पंजाबी ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंच से अगर माँ बोली ही नहीं लगती होगी तो फ्रेंच किस काम की। पंजाबी जप्पू सीख लेगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो उसको पंजाबी सिखानी, तो मैं खुद भी सिखा सकती हूँ पंजाबी, मुझे लगता नहीं जप्पू के लिए इतनी टफ होने वाली है, फटाफट जप्पू सीख जाएगा। पर फ्रेंच, और आज के टाइम पे फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर बच्चों ने इन फ्यूचरली बाहर जाना है तो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नीडी हो गई है, इसलिए फ्रेंच जब स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना लें। दैट्स वाई जप्पू को फ्रेंच लेके दी है, चॉइस में पंजाबी और संस्कृत भी थी पर फ्रेंच लेके दी है इसीलिए। ओहो मिक्की कॉली दी, जो रिक्शे वाले भैया हैं इनको आप मंथली का पे करते हो या डेली पे करते हो? मैं इनको डेली पे करती हूँ, मंथली पे नहीं करती हूँ। मैं डेली जाती हूँ, वेंसडे को डुगू और मैं, हम दोनों बाइक पे लेने जाते हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे हम चारों, मैं जाती हूँ जप्पू को लेने रिक्शा पे, और सैटरडे संडे जप्पू का ऑफ होता है, तो मैं डेली के 40 रुपीज़ पे करती हूँ, 20 जाने के 20 आने के। तो मैं इसलिए, मैं चाहूँ तो मैं भैया को बोल दूँ, भैया अकेले भी ले आएंगे अगर मैं भैया की आईडी दे दूँ स्कूल में, पर मैं साथ इसलिए जाती हूँ क्योंकि सारे ही बच्चे छोटे रिक्शा पे आते हैं, तो मुझे ये लगता है कि चलो मैं साथ जाऊँगी तो एक बड़ा बच्चा साथ में होगा, तो बड़ा बंदा साथ में होगा तो बच्चे शरारते नहीं करते, यही मेरा एक रीज़न है साथ में जाने का, सेफली बच्चों को लेके घर पे आ जाती हूँ। बाकी ठीक है, पूरा दिन घर पे बैठ के करना भी गया, थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए बॉडी की, वैसे ही बैठे बैठे मैं ढोल बनी जा रही हूँ, तो इसीलिए जप्पू को लेने जाती हूँ स्कूल में। तो अभी डुग्गू आते हैं फिर हम जाएंगे नीचे राउंड मारने। हेलो गाइस, बाइक चला लो, रोज आपके टायर अलग क्यों होते हैं? तू रोज एक ही बात क्यों पूछता है? देखो ये रीजन जानना बस, क्योंकि सबको एक डायलॉग पसंद नहीं आता इस करके अलग अलग बोलना पड़ता है मेरी जान। ओके तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आटा लेने कहाँ जाएंगे? राजमंदिर। तो चलते हैं। कितनी लाइट जल रही है फिल्म से? मम्मी को मत दिखाई नहीं रहा, मतलब मम्मी यहाँ पे 2-3 बार पहुँच जाएंगे चप्पल लेने। तो अभी आए हम मार्केट में टिक्की छोले खाने, तीनों जप्पू सही है टेस्ट, तूने बनाई है ना? जैसे कि हमारे मंगल बाजार में मिलती है, बहुत टेस्टी है, एक नंबर होती है भैया की टिक्की छोले। तो टिक्की खाने का तो अभी पीने हैं सोडा, लग्जी प्याजे बैठे यहाँ पे आराम से। तो अब टाइम है यहाँ पर रोल खाने का, बन रहे यहाँ पे रोल। सो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं, टाइम हो चुका है अभी 9:40। एक बात बताऊँ, अभी ना मॉनसून सीजन चल रहा है लेकिन किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि मॉनसून सीजन चल रहा है। शुरुआत के मॉनसून सीजन में सिर्फ 2 दिन बारिश हुई थी, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद 3-4 दिन से बारिश भी नहीं पड़ रही है और इतनी गर्मी हो रही है ना। अभी देखना, मैंने अभी जस्ट अभी फैन बंद किया व्लॉग बनाने के लिए, अभी देखना मैं पूरा पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, ये भी पसीने का निशान है। तो पापा ने ना शाम को बनवाई थी मलाई की सब्जी, क्योंकि कल हमने खाई थी मलाई की सब्जी के साथ रोटी, तो पापा ने आज व्लॉग एडिट किया तो उसमें देख रहे थे कि तुमने मलाई की सब्जी खाई, मेरे को बोली भी नहीं। तो आज पापा ने बनवाई थी मलाई की सब्जी, लेकिन पापा ने हमको खिला दी टिक्की एग रोल और अपने तो ये देखो छोले भटूरे। मम्मी छोले भटूरे कहाँ गए हैं? मम्मी छोले भटूरे कहाँ
आ गए छोले भटूरे, छोले भटूरे पापा ऊपर ले भी गए। पता क्या हुआ गाइस, मुझे कहते कल मलाई की सब्जी बनाने और चप्पू ने खाई थी ना, मुझे कहते आज दोपहर को व्लॉग एडिट कर रहे थे, हरलीन तुमने मलाई की सब्जी खाई थी? मैं क्या, हाँ कल बनाई थी दोपहर को थोड़ी सी चप्पू और अपने लिए, तो फिर मुझे तो दी नहीं मलाई की सब्जी। तो मैंने कहा आज आप खा लेना, बल्कि सुबह सुबह मेरे को पता क्या कहते, काले छोले खाऊंगा, और काले छोले भिगोए नहीं। फिर मैंने, मेरे को जब फोन आ गया तो फिर कह रहे मैं मलाई की सब्जी खाऊंगा, मैंने कहा ठीक है मलाई की सब्जी खा लेना। हम लोगों को एक्चुअली नीचे कुछ काम था, हम लोगों ने ज्वेलर के पास जाना था, हम लोग वहां पे गए तो हमारा काम हुआ भी नहीं। फिर उसके बाद हम लोग राउंड मारने लग गए, आटा मंगाया हुआ था इतने दिनों से, आटा लेके फिर आटा लेके आज मंदिर चले गए, है ना, आटा लेने। और ये मेरे को बोल के गए आटा लेने जा रहे हैं, और उसके बाद आटा लेने के साथ और भी सामान खरीदने लग गए। आटे के साथ फ्री मिला हमको फॉर्च्यून का बेसन, और ये पतंजलि का पास्ता लेके आए हैं, बाय वन गेट टू फ्री, है ना। वो ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जिसमें तो कल बना भी देना, मैं कल के लिए लेके आया हूँ, मैं कल के लिए खिलाऊं तेरे को पास्ते, तैयारी होगी तेरे को जीके की? नहीं, कितने चैप्टर बचे हैं? तीन। अभी तो शाम को तो मुझे कह रहा था एक चैप्टर बचा है, तीन बचे हैं। इतने झूठ बोलेगा आज के बाद? पढ़ पढ़ के आखो गया है, फिर झूठ किस लिए बोला? हुने भी तो तू ही लर्न करेगा, ड्रामेबाज बद दिमाग पसीने देख मोए मोए। तो गाइस आपके लिए देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको, ये देखो पसीने में हम तर हैं, पसीने में हम तर हैं, फिर भी हम आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं। यस यार, बिग बॉस इतना इंटरेस्टिंग आ रहा ना सच्ची में। पहले बिग बॉस मतलब लाइक बिग बॉस को जैसे अनिल कपूर ने होस्ट किया ना, वो इतना मजेदार नहीं है, होस्ट इतना मजेदार नहीं हुआ इस बार का बिग बॉस। पर ये है कि जो सलमान खान होस्ट करते हैं ना यार, वो तो नजारा ही अलग है। पर ये है कि अब जो लास्ट का हो गया ना, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। बिग बॉस तो देखने वाला है, मेरे लिए तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन बन सकता है। मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, ना मैं सलमान खान का होस्ट देखता हूँ, ना मैं अनिल कपूर का होस्ट देखता हूँ, क्योंकि मैं देखता ही नहीं बिग बॉस। मैं पसीने देखता हूँ जो भी है बस सब आई हाई छी पसीने वाला पसीने वाली पारी छी। ठीक है गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ टुकू के लिए दूध। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल है वेडनेसडे, हमारा वीकेंड का वार डुम डुम लख लख गर्मी में कहां खे। यार देख जप्पू, यहां पे पूरी गीली हो गई हूँ मैं। चलो भाई ऊपर, पापा एसी में बैठे, एसी में। बाय गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय।